सेवा की सिरमौर विधानसभा में आज आयोजित जनसभा में समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष और उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव पहुंचे, जहां उन्होंने सिरमौर से बनाए गए सपा प्रत्याशी लक्ष्मण तिवारी के पक्ष में मतदान करने लोगों से अपील की। उन्होंने इस दौरान भारतीय जनता पार्टी पर हमला करते हुए कहा कि यहाँ के लोग आज भी पिछड़े हैं, अच्छी शिक्षा से वंचित है, बढ़े हुए बिजली के बिल से लोग परेशान हैं। आप देख रहे हैं बुलेट रिपोर्टर खबर मध्य प्रदेश के रीवा से। चुनावी सभा को संबोधित करते हुए अखिलेश यादव ने कहा कि एमपी में चुनाव की तारीख अभी तय नहीं हुई है, लेकिन सभी दल ने तैयारी कर ली है, समाजवादी पार्टी ने भी तैयारी कर ली है और सबसे आगे हम हैं। लोग दिखाई दे रहे हैं, ये समाजवादी लोग हैं, लाल टोपी लगा करके इस बार सीना तान के समाजवादी पार्टी के साइकिल चुनाव चिन्ह पे वोट डालने जा रहे हैं। मध्य प्रदेश चुनाव की अभी तारीख नहीं आई है, मध्य प्रदेश चुनाव की अभी तारीखें घोषित नहीं हैं, लेकिन मैं जानता हूं सभी दल अपनी अपनी तैयारी कर चुके हैं और मुझे खुशी इस बात की है कि समाजवादी पार्टी इस बार तैयारी में पीछे नहीं है, तैयारी में एकदम आगे दिखाई दे रही है समाजवादी पार्टी। कांग्रेस की जब सरकार बननी थी, सबसे पहले कांग्रेस ने समर्थन समाजवादी पार्टी से मांगा था, हमने समर्थन दिया, फिर अन्य दल ने समर्थन दिया। विंध्य का इलाका बहुत पिछड़ गया है, पेपर में और टीवी में विज्ञापन बीजेपी का चल रहा है। मुझे दुख है इस बात का कि दिल्ली में भी सरकार होने के बाद भी और प्रदेश सरकार में होने के बाद भी मध्य प्रदेश में महिलाओं का उत्पीड़न, महिलाओं के साथ अन्याय, बेटियों के साथ अन्याय, आदिवासियों के साथ अन्याय और खासकर दलित महिलाओं के साथ जो अन्याय हो रहा है, उसमें सबसे आगे अगर कोई प्रदेश दिखाई दे रहा है तो मध्य प्रदेश दिखाई दे रहा है। इसी तरह बेरोजगारों की संख्या में भी मध्य प्रदेश आगे है। जो किसानों को सुविधा देने की बात बीजेपी ने कही, पूरे देश में कहा कि किसानों की आय दोगुनी कर देंगे, लेकिन आज भी जब चुनाव होने जा रहा है, इतने वर्षों के बाद भी किसानों की आय दोगुनी नहीं हुई। गेहूं प्राइवेट कंपनियों से खरीदवा लिया, धान में कोई इंतज़ाम नहीं किया, एमएसपी के लिए किसानों को लड़ना पड़ा दिल्ली में, लेकिन उसके बावजूद भी किसानों को कोई भाव ये सरकार ऐसा नहीं दे पा रही जिससे किसान खुशहाली में आए। अखिलेश यादव ने आरोप लगाते हुए कहा कि आखिर इतना पैसा आता कहां से है, नोटबंदी के नाम पर सबसे बड़ा भ्रष्टाचार हुआ। हमने ये कहा कि दुनिया का सबसे बड़ा भ्रष्टाचारी काम अगर कोई हुआ था तो नोटबंदी हुई थी। याद कीजिए, नोटबंदी में ये कहा गया कि भ्रष्टाचार खत्म हो जाएगा, आतंकवाद खत्म हो जाएगा, लेकिन वो योजना ही सबसे बड़ी भ्रष्टाचारी निकली। और फिर 2000 रुपए आने की वजह से उन्होंने कहा कि भ्रष्टाचार नहीं होगा, इसमें चिप है, 2000 पकड़ा जाएगा, हमारे पास ड्रोन है, उससे ढूंढ लेंगे। बताइए कहाँ चिप था, अपना ही छापा हुआ नोट खुद ही बंद कर दिया। इसका मतलब ये है कि उन्हें पता था कि ये 2000 रुपया भ्रष्टाचार बढ़ा रहा है। और फिर बैंकें ख़त्म हो गई, सोचिए बैंकें ख़त्म हो गई, कोई कल्पना कर सकता है बैंकें ख़त्म हो जाएंगी। ये एमपी का चुनाव नहीं, देश का चुनाव है, आपका एक एक वोट संदेश देगा। उन्होंने कहा कि बीजेपी ने मंथन किया कि दिल्ली का चुनाव पहले कराएं या एमपी का, लेकिन अब एमपी का चुनाव होगा। उत्तर प्रदेश में क्यों आए प्रधानमंत्री, क्योंकि वहां से आए और जीते, बिना उत्तर प्रदेश आए प्रधानमंत्री नहीं बन सकते। बीजेपी के लोग बहुत झूठे हैं। किसान मजदूर बेरोजगार भाई, आप याद करिए उन्होंने जो वादे किए पूरे किए क्या। इंडिया गठबंधन में समाजवादी पार्टी भी है, लेकिन उसकी एक अलग लड़ाई है। जिस समय कांग्रेस पार्टी को अपना बहुमत सिद्ध करना था, गवर्नर के यहाँ गिनती बतानी थी, सबसे पहले अगर किसी दल को ढूंढा गया था तो वो समाजवादी पार्टी थी। और मुझे याद है उस समय के मुख्यमंत्री जी ने
मुझसे समर्थन के लिए मांग की थी, मैंने बिना हिचके हुए और बिना किसी शर्त के पहले विधायक का समर्थन समाजवादी पार्टी ने दिया था और उसी की वजह से कांग्रेस की सरकार यहाँ बनी थी। बुलेट रिपोर्टर के लिए ब्यूरो रिपोर्ट रीवा। नए वीडियोस एवं ताज़ी खबरें मिलती रहें इसके लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें।